आपके सामने हाजी तस्नीम आरिफ एक बार फिर हाजिर खिदमत हैं, और इस बार मैं आपको हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम का वाकया सुनाने जा रहा हूँ, जिसको लिखा है जनाब कारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर ने, म्यूजिक के फरायज राजू खान जी ने अंजाम दिए हैं, और ये पेशकश है तैबा इस्लामिक यूट्यूब चैनल हंसराज रलहन जी की। रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है। तो लीजिए हजरात, जब कयामत नज़दीक होगी तो किस तरह हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा, और फिर किस तरह काना दज्जाल पैदा होगा, फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे, और हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम दोनों मिलकर किस तरह काने दज्जाल और याजूज माजूज का खात्मा करेंगे, ये कयामत की निशानियों में आखिरी निशानियां कुछ मैं इस कैसेट में पेश कर रहा हूं, जिसको हम उनवान दे रहे हैं वाकया हजरत मेहंदी अलैहिस्सलाम। तो लीजिए सामईन, हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में ये प्यारा सा वाकया आपके सामने पेश कर रहे हैं, मुलाहजा कीजिए। इबादत
रब ताला की। दिखावे के लिए होगी इबादत रब ताला की, दिखावे के लिए होगी इबादत रब ताला की। मेहंदी क्यों होगा बता देना जरूरी है, कयामत की निशानी इसलिए लिखना जरूरी है। चलेगी सुर्ख आंधी जलजले भी खूब आएंगे, फलक से होगी बारिश पत्थरों की दिल हिलाएंगे। एक महीने के ये पूरा साल गुजरेगा, महीना होगा हफ्ते की तरह ये हाल गुजरेगा। ये हफ्ता एक दिल की मिसल होगा क्या घड़ी होगी, हकीकत एक दिन की एक साथ पर खड़ी होगी। धुआं होगा बहुत पश्चिम से सूरज का तुलू होगा, गलत अफवाल की जानिब ज़हन सबका रुजू होगा। जमीन धस जाएगी जब मशरिक व मगरिब में ऐ लोगो, हकीकत है कयामत की यही सच्चाई है लोगो। न होगा रब को कोई याद करने वाला धरती पर, फकत एक कुफर का होगा बसेरा खाके गेती पर। उठाया जाएगा सब इल्म दुनिया से बुरा होगा, भरेगी सारी दुनिया जुल्म से वो वक्त क्या होगा। दज्जाल आएगा इन्हें भी वरगलाने को, तभी दज्जाल आएगा इन्हें भी वरगलाने को, तभी दज्जाल आएगा इन्हें भी वरगलाने को। सख्त होगा उसका ये फितना हकीकत है, करेगा दावा रब होने का उस जालिम पे लानत है। फिरेगा हर तरफ वो शोभ दे दिखलाएगा काफी, जमीन पर आसमां से पानी भी बरसाएगा काफी। वो जन्नत और दोजख को भी अपने साथ रखेगा, जो ईमान लाएगा उस पर उसे जन्नत में डालेगा। करेगा जो कोई इनकार उसकी ये सजा होगी, उसे दोजख में डालेगा शराफत से दगा होगी। जिलाएगा वो मुर्दों काना होगा पेशानी पे काफिर होगा कुंदा भी, बला में मुबतिला होगा दमाना उसकी हरकत से। जरा भी वास्ता होगा न जालिम को मुरव्वत से, लहू पानी सफर से गा करेगा कत्ल लोगों को, सताएगा मुस
मुसलमानों को बख्शेगा खबीसों को। निकल कर आह मोमिन अर्श से टकराएगी उस दम, तो रहमत जोश में अल्लाह की आ जाएगी उस दम। ये चाहेगा फिर लो वो मदीने में, इमामे मेहंदी पैदा होंगे फिर लो वो मदीने में, इमामे मेहंदी पैदा होंगे फिर लो वो मदीने में। होंगे नस्ले सरवरे कौनों मका होंगे, जो देखेंगे उन्हें घर वाले उन पर मेहरबान होंगे। मोहम्मद नाम होगा सब हदीसों में ये आया है, कि उनके बाप का नाम होगा अब्दुल्ला बताया है। निहायत खूबसूरत काली जुल्फें आपकी होंगी, जो रेशम की तरह शानों पे मेहंदी के पड़ी होंगी। सितारों की तरह हजरत का चेहरा जगमगाएगा, अनोखी दिलकशी पर चांद भी कुर्बान जाएगा। हुसैनी होंगे मेहंदी माँ की जानिब से सुभान अल्लाह, लिखा है हसनी होंगे बाप की जानिब से वो वल्ला। यतीमों ना तवाओं पर करम फरमाएगा अल्लाह, जबां से अहले ईमा की रवा होगा जजा कल्ला। ये फरमाने नबी है दिन कयामत का न आएगा, मेरा हम नाम जब तक जग में ना तशरीफ लाएगा। हुआ मालूम मेहंदी आएंगे इस्लाह करने को, खुदा का इश्क मखलूक के खुदा के दिल में भरने को। मुकम्मल साल चालीस उम्र के मेहंदी की आएंगे, मुकम्मल साल चालीस उम्र के मेहंदी की आएंगे, मुकम्मल साल चालीस उम्र की मेहंदी की आएंगे। तवाफे काबा करने आप फिर मक्के को जाएंगे, तवाफे काबा करने आप फिर मक्के को जाएंगे, तवाफे काबा करने आप फिर मक्के को जाएंगे। समझ लीजिए कदम काबे में जब मेहंदी का आएगा, समझ लीजिए फकत इस्लाम बाकी होगा मक्का और मदीने में। ये ऐसा वक्त होगा कुछ मजा होगा न जीने में, जो होंगे औलिया अब दाल हिजरत करके आएंगे। शहर मक्का में आकर सब सुकून कल्ब पाएंगे, महीना होगा वो रमजान का अल्लाह की रहमत से। तवाफे काबा में अब दाल होंगे फ
चक्कर भीड़ सी होगी, सभी की आंख उस दम बाबे काबा पर जमी होगी। इमामे मेहंदी भी होंगे वहां पर कुछ अलामत से, उन्हें पहचान लेंगे औलिया को फिर अकीदत से, कहेंगे आपसे बैयत लो अपनी ये तमन्ना है। तुम ही मेहंदी हो पहचाना, तुम्हें चेहरा दमकता है, करेंगे आप जब इनकार तो गैबी सदा होगी। खलीफा है ये रब का, मेहंदी एक ऐसी निदा होगी। सुनो तुम बात इसकी और इसका हुक्म मानो तुम, सुनो तुम बात इसकी और इसका हुक्म मानो तुम, सुनो तुम बात इसकी और इसका हुक्म मानो तुम। इताअत करके इसकी जाने ईमान को बचा लो तुम, इताअत करके इसकी जाने ईमान को बचा लो तुम, इताअत करके इसकी जाने ईमान को बचा लो तुम। सभी मेहंदी के खुश होकर तभी मेहंदी उन्हें लाएंगे मुल्के शाम के अंदर। बड़ा ही दर्दनाक होगा वो मुल्के शाम का मंजर, चलेंगे हौसले के साथ सब पुरखार राहों पर। दमिश्क की जामा मस्जिद और सहर का वक्त होगा वो, जमात सब बनाएंगे फजर का वक्त होगा वो, फजर के वास्ते उस दम इकामत हो चुकी होगी। शरीयत की तरफ से भी इजाजत हो चुकी होगी, फजले की बुरिया मस्जिद के फिर मशरिक मीनारे से जनाबे ईसा उतरेंगे, चमक होगी नजारे से। उठाएंगे कदम तेजी से मेहंदी से मिलेंगे वो, मुसल्ले पर खड़े हो जाओ मेहंदी से कहेंगे वो। इमामत हजरते मेहंदी करेंगे सब खड़े होंगे, हुजूरे की बुरिया मस्जिद में सर उनके झुके होंगे। खुशी से हजरते ईसा नबी होंगे खड़े पीछे, फजर की वो नमाज उस दम पढ़ेंगे आपके पीछे। मेहंदी की भी फौज होगी जीने मरने को,
दुश्मनों से मेहंदी एक महशर बपा होगा। चलेगी आपकी तलवार दुश्मन भागता होगा। लहू इतना बहेगा जिससे धरती तर बतर होगी। ये सात वास्ते दज्जाल के तो पुर खतर होगी। करेंगे उसका पीछा ईसा और मेहंदी दिलेरी से। जरर होगा न कोई आपको उसकी दिलेरी से। वो भागेगा नमक घुलता है जैसे ऐसे पिघलेगा। कदम उसके उखड़ जाएंगे फिर मैदान से निकलेगा। उठाकर ईसा मारेंगे जो नेजा लड़खड़ाएगा। लगेगा पुश्त में उसकी तभी दुनिया से जाएगा। सफाया फिर करेंगे ईसा मेहंदी जुल्म पे हद का। नजर में होगा परचम उस घड़ी दीने मोहम्मद का। सब मर जाएंगे फौरन करेंगे जब दुआ ईसा। सब मर जाएंगे फौरन करेंगे जब दुआ ईसा। सब मर जाएंगे फौरन करेंगे जब दुआ ईसा। मेहंदी का है लोगो। लड़ेंगे आप बेशक लश्करे कुफार से लोगो। जमाना मुंतजर है हजरत मेहंदी का आएंगे। हवाए जुल्म से मजलूम बेकस को बचाएंगे। उन्हीं के दामने शफकत में आकर होंगी। वो ऐसा दौर होगा मोमिनों की इज्जतें होंगी। उजाला हक का होगा और कमर टूटेगी जुल्मत की। मुसलमान खाएंगे रोटी जहां में शान शौकत की। न मारे जाएंगे यूं मुफलिसों नादार दुनिया में। यकीनन फिर न होगा कुफर का यलगार दुनिया में। उठाएगा जो सर अपना कोई जालिम मरेगा वो। चलेगी हक की वो तलवार टुकड़ों में बटेगा वो। सहर होगी खुशी की और गम की शाम आएगी। शरारत फिर नसर अपना जमाने में उठाएगी। ये 40 साल गुजरेंगे सभी के ऐशो इशरत में। मुसलमान होंगे ना काफिर फंसेंगे फिर कयामत में। बयां इतना ही मेहंदी के दारुल उसे मिला हमको। दीन का अनवार रब दे गासिला।